माननीय मंत्री उत्पाद विभाग ले जाकर के सैकड़ों भट्टियां जो चलता था उसको ध्वस्त करने का काम किया, इसलिए किया। आप शराब बनाओ लेकिन लकड़ी काटना बंद करो, ये मेरा सोच था। आज लकड़ी से ही ट्रेन चलाई जाती है, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया डीएफओ साहब। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, हम तो चाहते थे कि वन महोत्सव वही मनाया जाए, वहां के लोग जिस प्रकार से वनों का हराज कर रहे हैं, हम चाहते थे कि आदिवासियों लोगों को भी बुलाया जाए, जो हमारे क्षेत्र में काफी जंगलों में पहले हम जब रहते थे तो कोई भी नहीं होता था, अब वो आन करके यहाँ बैठे हुए। झारखंड सरकार के द्वारा पट्टा भी दी जा रही है, तो जंगल जब तक नहीं रहा उसके बारे में चिंता की है। इसे मैं सभी पदाधिकारी को आग्रह करता हूँ कि निश्चित तौर पे जो हमारे सीताराम जी हैं, विकास यादव जी, जो आपको बताने का प्रयास किया, इस पर आपको चिंतन करना है डीएफओ साहब। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूँ, आपने कार्यक्रम कराया।